गाइस, दिस इज जस्ट सियालिया। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो व्हाइट ड्रेस पहना है तो समझ जाओ आज है मैच है और अर्जेंट में खेल रहे हैं, क्योंकि कल रात को 11:30-12 बजे अक्षिल का कॉल आ रहा था। मतलब बाद में बात की हमने कि कल मैच है तो खेलेगा क्या, ऐसा था। बोला हाँ खेल लेंगे। मैंने बोला इतनी रात को कौन बोलता है, अभी रेडी कब करूँगा सब सामान वगैरह, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अचानक ऐसे खेलने को मिलेगा। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी अभी रेडी हुआ, पर आज तो फास्ट है तो कुछ लंच वगैरह बनाने का प्लान होता नहीं। फ्रूट्स वगैरह ले लिए हमने, पैक 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 कर लिया है, किट बैग भी ले लिए और ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, दूध वगैरह पीते हैं और जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि 7:45 उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। तो अभी वो 9 बजे तक तो मैच आराम से स्टार्ट होगा, 9:30 के बाद। तो चलते अभी आराम से मस्त, उसके पास ना ही ट्रैक है ना ही कुछ है, फिर भी अभी कुछ सब यहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं उसके लिए। कल रात को बोलता है ट्रैक है, सुबह बोलता है सपोर्टर है, मेरा सब चला गया। अरे भाई भाई, सब अलग ही चल रहा है आज। चलते अभी निकल चुके हैं अभी और 7:45 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 7:40 हो रहे हैं। सो यहाँ से मैं अक्षिल के घर पे जाऊँगा तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। ट्रैफिक ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अभी जॉब पे जाने वाले ऑफिस पे जाने वाले सब एक साथ निकलेंगे 8 बजे। आई होप कि ट्रैफिक ना मिले तो हम जल्दी से पहुँचेंगे। तो गाइस यहाँ तक पहुँचा अभी अक्षिल लेने के लिए आ रहा है, अभी कौन से रास्ते से आएगा कहाँ पता। यहाँ पे एक ए सोसाइटी है, एक ए वाली सोसाइटी एक पीछे भी है, अभी आगे होगी पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो अभी मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला था, मैं यहाँ आ चुका हूँ, अभी देखते हो किधर से आता है। सो गाइस अक्षिल को पिक करके हम निकल जाते हैं। यहाँ पे रास्ते में अभी रुके थे एक जगह पे, क्योंकि हमें लोकेशन पता नहीं थी, लोकेशन चेक की, बाद में हम आगे गए वहाँ पे रुके और पता चलता कि अभी तो हमें और आगे जाना है। अभी क्या पहुँची गया हमारा वारवा। सो हाँ गाइस, हमारी बाइक उधर पार्क करके आए 15-16 किलोमीटर घूम के, अभी यहाँ से और है 15 किलोमीटर ऐसा है बोल रहा है। अभी देखो हम इस वाले रास्ते से आए थे, बैट चेक कर रहे रास्ते में खड़े खड़े, हम हेलमेट भी साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि बाइक पे रखने का भरोसा है नहीं भाई, कि कहीं पे कुछ हो गया तो भाई खाली पॉकेट इसका भी चूना लगेगा सुबह सुबह। तो इसकी किट है, मेरा हैंड बैग किट, हेलमेट और ये वाला बैट और मेरा किट बैग। बाद में हमें जो कार में जाता है वो कार हमें पिक करने के लिए आ जाती है। वहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचते हैं और जल्दी से देखते हैं कि ग्राउंड कैसा है। ग्राउंड देखते हैं, ग्राउंड भी अच्छा खासा था, थोड़ा सा छोटा था पर विकेट मतलब अच्छी खासी थी, मतलब क्रैक भी थे विकेट पे। बाद में जल्दी जल्दी मैं टॉस किया, सारी टीम रेडी हुई और हम एज यूजुअल टॉस हार गए थे और हमारी बॉलिंग आई थी। तो पूरी 40 ओवर बॉलिंग करने के बाद हमारी बैटिंग आती है। तो बैटिंग में आपको स्कोर यहाँ पर दिख जाएगा, उन लोगों ने 292 रन बनाए थे और हमें 293 बनाने थे, पर हमारी टीम ऑलमोस्ट 100 के करीब ऑल आउट हो चुकी थी। और अभी यहाँ से हम जो इन भाई की गाड़ी लेने जाना था उनकी कार लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस कार में हम आए थे। सो अभी वो कार लेके आते हैं, उस कार में हम वापस जहाँ पे हमें जाना था वहाँ तक जाते हैं। मैच तो ठीक ठाक रहा क्योंकि हमारा 2023 का पहला मैच था। सो अभी कुछ सीखने के लिए भी मिला। सो गाइस घर पे आ चुके हो और आज मुझे पूरा व्लॉग का वॉइस ओवर करना है, मुझे कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हम वहाँ पे पहुँचे थे 10 बजे तो नहीं पहुँचे थे, 10:30 बजे पहुँचे थे हम यहाँ से। घर से 8:30 बजे के पहले निकले थे, वहाँ पे 10:30 बजे निकले हैं, मतलब पहुँचे हैं, सॉरी निकले बोल रहा हूँ। और बाद में वहाँ पे पहुँच के टॉस वगैरह किया, जल्दी जल्दी मेरी दोनों टीम आई। तो हमारे टीम में प्लेयर भी ऐसे ऐसे थे भाई, मस्त फनी थे, पर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम डायरेक्ट मैच स्टार्ट हो गई तो हम सारे प्लेयर ग्राउंड में थे, तो मैं फ़ोन अकेला स्टैंड पर रख नहीं सकता था कि नहीं रह पाता ना, बंद करने जाना पड़ता, चालू करने जाना पड़ता, उतना स्टोरेज भी नहीं होता है कि पूरे 5 घंटे की लगातार मैच शूट हो। हमारी बॉलिंग करीबन 4 घंटे तक चली थी, उसके बाद हमारी बैटिंग आई थी। बैटिंग में मैंने स्कोर किया था, कुछ थोड़े से रन किए थे, 10-1 रन किए होंगे शायद से, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं पहली मैच खेल रहा था और विकेट भी पूरी ऐसी, मतलब डे फाइव की टेस्ट मैच की विकेट हो ऐसी हो चुकी थी, पूरी पूरे क्रैक हो चुके थे विकेट पर, क्योंकि दूसरी इनिंग में बारी आई थी, पूरी सूख गई थी विकेट, ऊपर से स्विंग हो रहे थे बॉल। तो मैंने 10 ओवर तक तो मैंने संभाला था, पर मेरे सामने 3 या 2 या कुछ बैट्समैन आउट हो गए, बोल्ड क्लीन स्विंग होके बॉल अंदर घुसी, बॉल बाहर आई लेफ्ट आर्म की। बाद में बात आई स्पिनर की, तो स्पिनर की बॉल लेग स्टंप पे टप्पा खा के वाइड जा रही थी, उतना टर्न शार्प मिल रहा था वो क्रैक वाली विकेट पे। सो अच्छा खासा सीखने के लिए भी मिला और आज मैंने पहली बार फील्डिंग भी की थी, सो मेरे लिए तो बहुत टास्क रहे थे भाई आज मैच में, क्योंकि मैं एज यूजुअल फील्डिंग करता नहीं हूँ, क्योंकि कीपिंग करता हूँ तो मुझे कीपिंग की आदत है। तो फील्डिंग में वैसे मैंने मिस फील्ड नहीं की थी, एक बार वो पॉइंट पे मैं बॉल पकड़ने गया, पॉइंट पे खड़ा था तो मैं पैर फिसला तो पूरा गिर गया, बॉल साइड से निकल गई, मेरा पैर वो खड्डे में कुछ था थोड़ा सा मिट्टी जैसा, तो उसमें पैर फंस गया तो पूरा स्लिप होकर गिर गया मैं। तो बाकी कुछ मिस फील्डिंग वगैरह कुछ नहीं हुई थी और बस बॉलिंग तो मैं करता नहीं हूँ,
ऐसा सब कुछ चल रहा था आज का, तो व्लॉग नहीं बना पाया मैं, उसके लिए सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे, ओपनिंग करने के लिए गया था मैं, आया हूँ फ्रेश हुआ हूँ मस्त, अभी रेस्ट करता हूँ, क्योंकि भाई पूरे 7 बजे सुबह, मतलब रात को 12 बजे के बाद मैं सोया था, 12:30 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करके, अक्षिल का कॉल आया था 11:45 बजे, 11:30 पौने 12 बजे कि मैच खेलना है, तो मैं बोला अर्जेंट में कैसे, अभी मैंने कुछ सेट भी नहीं किया, कुछ नहीं, नहीं नाश्ता वगैरह के लिए घर पे बोला है, नहीं घर पे कुछ कहा है, पैसे का भी देखना पड़ता है ना, मैच फीस वगैरह, सो जल्दी जल्दी अर्जेंट किया, सुबह 5 घंटे में सिर्फ सोया हूँ, सुबह जल्दी उठा, बाद में रेडी वेडी हुआ निकला, वो आपने देख लिया सब कुछ, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज का वॉइस ओवर कैसा लगा आप बताना, और आपको मैच व्लॉग चाहिए कि नहीं चाहिए तो मैं उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि फ़ोन से मैच व्लॉग नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्राउंड पे भाई मुश्किल है ना, सो अभी इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, बताओ आप क्या करूँ मैं उसके लिए, जुगाड़ कुछ करता हूँ, तो आप जल्दी से कमेंट में भी बताओ मुझे क्या करना चाहिए मुझे, और इस वीडियो को भी यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।